मेरे पाकिस्तानियों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। आज मैं ये जो सेनेट का इलेक्शन अभी हुआ है इसके ऊपर मैं आप सबसे अपनी कौम से बात करना चाहता हूँ। ये सेनेट का इलेक्शन इसलिए ज़रूरी इसके मुतालिक अपनी कौम को बात करना और समझाना, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे मुल्क के मसले मसाइल हैं वो जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ है वो अगर आप समझ जाएँ तो वो सारे मुल्क के मसले मसाइल इधर से आपको समझ आती है जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ है। सबसे पहले हम कुछ 6 साल पहले तहरीक इंसाफ ने सेनेट में हिस्सा लिया जब पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट थी, तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि सेनेट के इलेक्शन में तो पैसा चलता है। और अभी से नहीं, ये 30-40 साल से सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। जो सेनेटर बनता है, जो बनना चाहता है, वो पैसा इस्तेमाल करता है। और वो खरीदता किसको है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। तो मुझे बड़ी हैरत हुई जब मुझे पता चला, और तब से मैंने कैंपेन शुरू की कि ये क्या मजाक हो रहा है हमारी जमहूरियत के साथ, कि कैसी जमहूरियत है जिसके अंदर मुल्क की लीडरशिप, ये याद रखें, सेनेट के अंदर मुल्क की लीडरशिप आती है और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं इनमें से मुल्क की लीडरशिप आती है। इनमें से वजीर बनते हैं, इनमें से वजीर आजम बनते हैं, इनमें से वजीर आला बनते हैं। तो मुझे तब से हैरत हुई कि जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं, एक सेनेटर रिश्वत दे के सेनेटर बन रहा है, और दूसरी तरफ वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो अपना जमीर बेच रहे हैं पैसे लेके वोट कर रहे हैं, ये कौन सी जमहूरियत है? तो तब से मैंने कैंपेन शुरू की और मैंने तब से कहा कि इसकी ओपन बैलेट होनी चाहिए। हमारा जब दूसरा सेनेट का इलेक्शन हुआ 2018 में, हमें पता चला हमारे तकरीबन 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिक गए थे, उन्होंने पैसे लेके अपनी वोट बेची, हमने 20 मेंबर्स को निकाला। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये दोनों मेन पार्टीज, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया कि ओपन बैलेट होना चाहिए क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। और फिर बाद में भी इनकी स्टेटमेंट साइन, इनके पीएमएलएन के पार्टी लीडर ने भी स्टेटमेंट दी, उसकी भी आई, इनके सीनियर, इनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनकी स्टेटमेंट साइन। तो जब ये सेनेट इलेक्शन के ऊपर ये आ रहा था, हमने पार्लियामेंट में अपना बिल भी पेश किया कि ओपन बैलेट होना चाहिए। हमने फिर जब देखा कि नहीं हो रहा, तो बाकी पार्टीज जो कि कह बैठी थी कि ओपन बैलेट होना चाहिए, जब उन्होंने हमारी हिमायत नहीं की तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस हुआ। उस केस के अंदर जजेस साहिबान ने बार बार पूछा कि पैसा चलता है, और उसके दौरान एक वीडियो निकला ही जो 2018 में सेनेट इलेक्शन में एमपीज पैसे ले रहे थे, वो वीडियो भी निकला ही, यानी किसी को कोई शक नहीं था। फिर जब ये अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इसकी बातचीत चल रही थी, तो इलेक्शन कमीशन ने ओपन बैलेट के खिलाफ गई और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा कि आपकी जिम्मेदारी है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की। और वो सारी पार्टीज, पीटीएम की पार्टी, सब इकट्ठी हो गई, सबने इकट्ठे होके कहा कि नहीं जी, सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए, जबकि माजी में ये खुद कहते रहे कि ओपन बैलेट होनी चाहिए। अब मैं आप सब से ये सवाल पूछता हूं कि आपका क्या ख्याल है कि क्या वजह थी कि यही पार्टीज पहले चाहती थी कि सीक्रेट ओपन बैलेट होनी चाहिए, अब क्यों ये सारों ने जोर लगाया कि सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए, ये जमहूरियत के खिलाफ है, ये आइन के खिलाफ है?
تو پہلے یہ آئین کے خلاف نہیں تھی جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا تھا. انہوں نے سینٹ کے اندر یہ بل ایک نکالا ہوا تھا, یہ ایک فورم کے اندر انہوں نے تب بھی کہا ہوا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونے چاہیے. تو میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ کیا ہوا, یہ آپ نے سمجھنا ہے. ہوا یہ کہ یہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے سب سے ان کو جتنے بھی یہ پرانے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کرپٹ لوگ تھے اور ان کے لیڈرز, ان سب کو خوف ہو گیا کہ کیونکہ یہ عمران خان نے اپنی پوری کرپشن کے اوپر کیمپین کی ہوئی ہے, اب یہ کہیں ہمارے کرپشن کے کیسز کے اوپر آگے نہ بڑھے. اور یہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ کرپشن کے کیسز ان کے پرانے ہیں, یہ کرپشن ہم نے نہیں کیسز بنائے, یہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں. ہمارے دور میں تو صرف کوئی 5% بھی کیسز نہیں ہوں گے, سارے پرانے تھے. تو یہ تب سے سب اکٹھے ہو گئے. اور میں نے پہلے دن بھی جب مجھے جب میں گورنمنٹ میں آیا, میں نے پہلے دن کا اپنے پہلے خطاب میں کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے, سب جمہوریت کے نام پہ شور مچائیں گے, اے پی ڈی ایم ڈیموکریٹک موومنٹ, یہ جمہوریت کے نام پہ سب سارے ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ میرے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ میں ہاتھ کھڑے کر کے کہوں جس طرح جنرل مشرف نے کیا تھا, ان کو این آر او دے دوں, ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دوں. تو اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پہلے کوشش کی بلیک میل کرنے سے پہلے دن سے کہ جی الیکشن خراب ہے, پھر انہوں نے اس کے اوپر کرونا کے اوپر پوری کوشش کی, پھر جب فیٹ ایف کا بل آئی, ذرا آپ نے سمجھنا ہے فیٹ ایف کا بل کیا تھا. فیٹ ایف کا بل یہ تھا کہ ان کے دور میں ہمیں ایک انٹرنیشنل جو ایک ادارہ ہے فیٹ ایف, اس کے اندر ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا. گرے لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انہوں جو وہ فیٹ ایف کہتی ہے اگر وہ آپ نہیں کرتے تو وہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے. بلیک لسٹ کا کیا مطلب ہے, ملک کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گے. سینکشنز کا کیا مطلب ہے, آپ کو صرف میں آسان زبان میں سمجھا دوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ سینکشنز لگے گی ہمارا روپیہ گرنا شروع ہوگا. اور ہمارا روپیہ کتنا گرتا ہے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا, لیکن جب روپیہ گرتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت مہنگائی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ساری چیزیں جب روپیہ گرتا ہے جو چیز آپ باہر سے منگواتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہے, جس کے اندر تیل ہے, بجلی ہے, کیونکہ بجلی بھی تیل کے اوپر آدھی بنتی ہے, پھر ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں, پھر دالیں ہیں وہ 70% باہر سے, پھر گھی باہر سے آتا ہے, پھر گندم بھی ہمیں باہر سے منگوانی پڑی. تو جو بھی چیز باہر سے آتی ہے, ٹرانسپورٹ, تیل, سب مہنگی ہو جاتی ہے. تو اگر فیٹ ایف کی بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو یہاں لوگوں کی یہاں تو غربت پھیلنی ہے. تو ہم فیٹ ایف کے لیے جو قانون نکالنا چاہتے تھے, جو فیٹ ایف نے ہمیں کہا قانون نکالنا تھا فیٹ ایف کا, ان سب نے مل کے ایک ہمارے پاس ایک این آر او کا ایک دے دیا, جی کہ جی یہ نیب کے یہ چینجز کریں, مطلب کہ نیب کو ختم کر دیں تب ہم فیٹ ایف کا بل سائن کریں گے. فیٹ ایف ملک کے لیے, نیب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ صرف اور صرف کہنے کی کوشش ہے ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا کہ کسی طرح مجھے پریشر کر دیں کہ میں کسی طرح بلیک میل کریں کہ ان کو این آر او دے دوں. اب آپ سمجھے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا, کیوں یہ جو پہلے کہہ رہے تھے, سب کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور اوپن بیلٹ ہونی چاہیے, اور اب کیوں سب اکٹھے ہو گئے سپریم کورٹ میں جا کے سب نے اکٹھو زور زور سے کہا کہ نہیں جی ہمیں سیکرٹ بیلٹ چاہیے, خفیہ بیلٹ چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی, انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ جو ہمارا الیکشن تھا حفیظ شیخ کا اور یوسف رضا گیلانی کا, اس میں انہوں نے پورا پیسہ چلانا تھا, پوری کوشش کرنی تھی کہ ہمارے ممبرز توڑیں, ان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملائیں, اور کسی طرح وہ الیکشن جب وہ حفیظ شیخ نے ہارنا تھا تو اس سے کیا سامنے آنا تھا کہ جی عمران خان کی پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی ختم ہو گئی, اور میجورٹی ختم حالانکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں ہے, لیکن جب یہ ایک دفعہ آ جائے کہ جی عمران خان کے ممبر ادھر جا سکتے ہیں اور اس کے ان کے ممبر زیادہ ہو گئے ہیں, یعنی ہمارے ممبرز ان کے ساتھ چلے گئے, اس کا مطلب کہ اگلا سٹیپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے. تو
तो असल मकसद ये था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तलवार मेरे ऊपर लटकाएं, मुझे ब्लैकमेल करें कि मैं किसी तरह इनको NRO दे दूं। अब मैं बताता हूं कि आगे मैंने क्या कदम लिए, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा अपनी कौम को, क्योंकि मैं ये ज़रूरी है, आप में से कई नौजवान, हमारी नौजवान आबादी, उनको पता नहीं है कि मेरी ये अब 25 साल हो गए हैं, ये स्ट्रगल है क्या, ये क्यों थी। देखिए, इमरान खान वो वाहिद पॉलिटिशियन है जिसके पास सब कुछ था पॉलिटिक्स में आने से पहले। मैं वो आदमी हूँ जिसको शायद मुल्क में सबसे ज़्यादा शोहरत थी, जितना पैसे थे मेरी जिंदगी के लिए बहुत थे, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी जब मैं पॉलिटिक्स में आया। मैं आया क्यों पॉलिटिक्स में? मैं, हम वो हैं जनरेशन जो पहली, मेरे वालिद, मेरी वालदा एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। मैं पहला पाकिस्तानी जनरेशन था जो आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ था, और हमें अपने मुल्क पे बड़ा फ़ख्र था जैसे हमारा मुल्क उठता जा रहा था। आज से 50 साल पहले, 55 साल पहले पाकिस्तान की मिसाल दी जाती दुनिया में, हमें फ़ख्र होता था, पाकिस्तान का दुनिया के अंदर एक रुतबा था। हमारा जब यहाँ से प्रेसिडेंट बाहर गया तो उसको एयरपोर्ट पे अमेरिकन प्रेसिडेंट मिलने आया, ये और भी छोड़े, यानी हमारी हर तरह एक मुल्क में एक होप था, ऊपर जा रहे थे हम। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना मुल्क नीचे आते देखा, और जो 1985 के बाद इस मुल्क में तबाही मची, जब से करप्शन ये आसमानों पे गई, नॉन पार्टी बेस इलेक्शन हुआ था, आपको मौका मिले तो वो ज़रूर पढ़े, क्योंकि वो एक ऐसा जिसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं, जिसके बाद हमारी तकदीर बदली, जिसके बाद करप्शन बढ़नी शुरू हुई पाकिस्तान में, जिस वक़्त पॉलिटिक्स के अंदर पैसा चलना शुरू हुआ, ये याद रखें 1985 था वो। तो मैं, हम देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता पैसा इक्तदार में क्यों आ रहे हैं जी, बिजनेसेस चलाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो फैक्ट्रियां बननी शुरू हो गई, प्राइम मिनिस्टर बनना है तो बिजनेसमैन बनना, 7 वजीरों ने पैसा बनाना शुरू कर दिया। 85 के बाद हमारा मुल्क जाना शुरू हुआ नीचे। उससे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर मैं आपको फ़र्क बताऊँ, मैं जब क्रिकेट खेल के हिंदुस्तान से पाकिस्तान आता था तो लगता था गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गया हूँ। और आहिस्ता 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 हमने चेंज देखा ये आते हुए। मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया था, और मेरा मकसद क्या था? देखिए, मैंने तो बहुत अपना वक्त बाहर की दुनिया में गुजारा है, मैंने मगरबी ममालिक देखे हैं, मैंने इंग्लैंड के अंदर उनके सारे सिस्टम्स देखे हैं। फ़र्क क्या है, क्या वजह है कि एक मुल्क ऊपर चला जाता है और दूसरा मुल्क सारे वसाइल के बावजूद नीचे आ जाता है? वो है लफ्ज़ इंसाफ, कानून की बालादस्ती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत की बुनियाद किस चीज़ पे रखी थी? अदल और इंसाफ पे। उन्होंने जब कहा था, और वो अच्छा, ये है क्या इंसाफ? कानून की बालादस्ती का मतलब क्या है? मैं चाहता हूँ सब नौजवान, आप सब समझें, कानून की बालादस्ती का मतलब ये होता है कि ताकतवर और कमज़ोर एक ही बराबर हो, कानून उनसे एक तरह करे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें बर्बाद हुई जो ताकतवर के लिए एक कानून, कमज़ोर के लिए दूसरा कानून, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। जो जब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सज़ा मिलेगी, कहने का मतलब ये है कि कानून यानी इंसाफ वो होता है जो ताकतवर को कानून के नीचे लेके आता है। अब यहाँ क्या हो रहा था? जो ताकतवर, उसके लिए सारा एक कानून, वो चोरी कर रहा है, वो पैसे बना रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो प्लॉटों के ऊपर कब्जे कर रहे हैं, वो सरकारी कब्जे, उनको कोई पकड़ नहीं रहा था। बेचारे गरीब लोग जेलों में भरे हुए थे। मैंने भी जब जनरल मुशर्रफ के दौर में कोई 8-9 दिन जेल में गुजारे हैं, वहाँ सिर्फ गरीब लोग आपको नजर आते हैं, लगता सिर्फ गरीब ही चोरी करता है। देखिए, ये आपको आज मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी स्ट्रगल है क्या। दो चीज़ें होती हैं, जब ताकतवर को एक मुल्क का कानून उसको पकड़ता नहीं है, जब वो कोई जुर्म करता है
तो वो मुल्क अपनी तबाही की तरफ चला जाता है, जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। वो क्यों चला जाता है, मैं ये भी आपको समझाता हूँ। लेकिन छोटे चोरी करते हैं, गरीब आदमी चोरी करता है, पटवारी चोरी करता है, थानेदार, वो पैसे बनाते हैं, तंग होते हैं लोग। लेकिन जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर चोरी करता है तो वो एक मुल्क को मकरूज करके रख देता है। वो कैसे करता है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, सारे जितने मेरे जेल में चोर भरे हुए हैं इनकी सारी चोरियां इकट्ठी भी कर दो तो वो कितने की बन जाएगी, 2, 3, 4 अरब, 5 अरब, 6 अरब। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं एक प्रोजेक्ट के अंदर मैं अरबों रुपया बना सकता हूं। कैसे, मैं पावर प्रोजेक्ट लगाऊं, और यहां हुआ ऐसे, पावर प्रोजेक्ट लगाता हूं 100 अरब का, वो होता है उसकी कीमत 100 अरब, मैं उसे कहता हूं 130 अरब कर दो, 30 अरब सीधे मेरे बाहरी मुल्क से बाहरी चले जाते हैं, मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। अब वो जो 30 अरब, सबसे पहले तो सारे मुल्क के चोर मिला के भी 30 अरब चोरी नहीं करते, वो जो जेलों में बेचारे हैं, मुश्किलों में, कोई बेरोजगार है, कोई है, कोई 100 मसले होते हैं आम आदमी के, कई तो होते भी चोर हैं लेकिन कई बेचारे मजबूर भी होते हैं, वो तो जेलों में है। सीधा बैठ के 30 अरब एक डील में मैं बना सकता हूं। और अच्छा, उसकी कीमत कौन अदा करता है, आप अदा करते हैं। वो कैसे अदा करते हैं, क्योंकि जो एक 130 अरब का जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसकी उसका जो जो बिजली की कीमत है वो ऊपर चली जाती है। आप अगर कहीं पता चलवाएं कि वही प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में लगे हुए हैं वो कितने पे लगे हैं, और जो वही प्रोजेक्ट बाहर कहीं बिजली के लगे हुए उनकी कितनी कीमत है, तो उसकी कौन कीमत अदा करता है, कौम अदा करती है, कौम मकरूज हो जाती है। सारी सारी तीसरी जो जिनको कहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड, गरीब मुल्क, आप सारी एक एक, मैं एक एक मुल्क का आपको बता सकता हूं उनकी गुर्बत का सबब क्या है। वहां उनके भी प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, प्रेसिडेंट बैठे हैं, वजीर बैठे हैं, वो भी मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, फिर उनको मजबूरी बाहर भिजवाना पड़ता है क्योंकि मुल्क में नजर आ जाएगा ना पैसा, इसलिए वो फिर बाहर, ये जिस तरह ये चीनी वाला और ये पापड़ वाला, इनके नाम पे बाहर इसलिए भिजवाने पड़ते हैं, इसलिए भिजवाने पड़ते हैं कि पकड़े ना जाए। अब जब वो पैसा बाहर जाता है वो दुगना मुल्क को नुकसान हो जाता है। आपको पता है एक यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है, मैं ये चाहता हूं कि आप पूरा समझें कि इस मुल्क से ये थोड़े से जो मिलके ये जो बड़े बड़े मुजरिम हैं कर क्या रहे हैं आपके मुल्क से। ये हमारे मुल्क में नहीं सिर्फ हो रहा, ये गरीब मुल्कों में सब में यही कहानी है। जो एक इदारा है उसको कहते हैं फैक्टाई, ये यूनाइटेड नेशंस का इदारा है। ये क्या करता है, ये पूरी तरह रिसर्च करता है कि गरीब मुल्कों से पैसा अमीर मुल्कों में कितना पैसा जाता है, या ऑफशोर अकाउंट्स में कितना जाता है, या बड़े बड़े लंदन और न्यूयॉर्क में बड़े बड़े गरीब मुल्कों से लोग जो घर खरीदते हैं वो इसकी सर्वे करता है। उसके मुताबिक हर साल 1,000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में जाता है, ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। ये फैक्टाई की रिपोर्ट है। आपको पता है हमारा सारा 22 करोड़ लोगों का बजट कितना है, मुश्किल से 60 अरब है। हम 22 करोड़ लोग जो हैं, हमारा सारा बजट 60 अरब है, तो 1,000 अरब गरीब मुल्कों से जाता है। एक 10 साल पहले रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान से 10 अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग होकर मुल्क से बाहर जाता है। तो ये हो क्या रहा है, गरीब मुल्कों से पैसा जा रहा है अमीर मुल्कों में, गरीब मुल्क गरीब होते जा रहे हैं, गरीब मुल्कों और अमीर मुल्कों में फासले बढ़ते जा रहे हैं। गरीब मुल्क जो पैसा उनका उधर खर्च हो ताकि रोजगार मिले, तो स्कूलों पर चले, या वहां वो उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो पैसा मुल्क से बाहर चला जाता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर और वजीर जब करप्शन करते हैं वो मुल्क को मकरूज कर देते हैं, कर्जे चढ़ जाते हैं, वो कर्जे उतारने के लिए टैक्स लगाने पड़ते हैं, टैक्स से महंगाई होती है, महंगाई से गुर्बत होती है। दूसरा, जब वो डॉलर बाहर भेजते हैं रुपये पर प्रेशर पड़ता है, जब रुपया गिरता है बाहर से सारी चीज़ें फिर महंगी हो जाती हैं। तो ये जो मेरी स्ट्रगल है इसका मकसद क्या था, क्योंकि मैंने तो दुनिया में देखा हुआ था जो अमीर मुल्क स्विट्जरलैंड जो मैंने देखे हैं, उन सारों के अंदर कानून की बालादस्ती का मतलब ताकतवर कानून के नीचे है। हमारे मुल्क में
आपने तमाशा देखा, जनरल मुशर्रफ, इतनी ताकत उसके पास, फौज उसके नीचे, अदलिया उसके नीचे, ओपोजिशन, वो नहीं, उसने प्रेशर में आके इन दोनों पार्टीज को एनआरओ दे दिया। वो एनआरओ की वजह से आज जब हमारी हुकूमत आई है, जितना हम टैक्स का पैसा इकट्ठा करते हैं आधा चला जाता है उनके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे। हमने तो अपना बजट बैलेंस कर दिया, हमने तो खर्चे और आमदनी को बैलेंस कर दी, लेकिन जो कर्जों की किस्तें देनी पड़ती है वो हमारे ऊपर बोझ बढ़ा हुआ। ये सारी गरीब मुल्कों की यही स्टोरी है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं आपको पता चले कि इस मुल्क, हम एक गरीब मुल्क नहीं है, अल्लाह ने इसको सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन कोई दुनिया का मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जिसके ऊपर बैठे हुए ताकतवर उस मुल्क का पैसा निकाल रहे हो बाहर, कोई मुल्क नहीं चल सकता। अब वापस आ जाए सेनेट पे, ये क्यों सेनेट का इलेक्शन इंपॉर्टेंट था, इन्होंने क्यों इतना ज्यादा जोर लगाया, पता होते हुए कि पैसा चलना है सीक्रेट बैलेट में, ये क्यों सब इकट्ठे होके इन्होंने कोशिश की, ये पूरा ये जो ड्रामा किया है। अगर ओपन बैलेट हो जाती, तरीके इंसाफ को तो हमें इतनी सीटें मिलनी थी जितनी मिली हैं सेनेट में, हमें, हमारा तो ये जो कह रहे हैं ना कि बहुत बड़ा कोई मार्का मार लिया, हमें तो उतनी सीटें मिल गई हैं, हम तो सबसे बड़ी पार्टी बन गए सेनेट में। लेकिन इन्होंने जो सारा ड्रामा किया है वो एक हफीज शेख की सीट के ऊपर, और सारा जो पैसा लगाया है, जो यूसुफ रजा गिलानी का बैठ पैसे बांट रहा था शाम को, लोगों की जमीन खरीद रहा था, और वो जो हमारे, मैंने जब अपने एमएनए से जब मीटिंग की, हमारी ख्वातीन ने हमें बताया कि जी हमें कॉल करके ऑफर्स मिल रही थी, कोई हमारी पुरानी पीटीआई की, वो कॉल करके कह रही थी 2 करोड़ से बोली लग रही थी। अब मैं इलेक्शन कमीशन से थोड़ा बात करना चाहता हूं। देखें, इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शिफाफ इलेक्शन है, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, कोई आईन इजाजत देता है चोरी करने की, रिश्वत देने की कोई आईन इजाजत देता है जो 30 साल से हो रहा है? फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की, कि हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के, आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। मुझे बताइए कौन सी जमहूरियत है जिधर पैसे दे के कुछ सैनिट बनता है, ये जमहूरियत है? जमहूरियत का तो मतलब होता है इलेक्शन से लोग ऊपर आते हैं, ये पैसे दे के ऊपर आने का ये जमहूरियत है? दूसरा मुझे बताएं कि जो हमारा, हमारे बच्चे हैं, हमारा एक नौजवान आबादी है, अब हम क्या उनके लिए मिसाल सेट कर रहे हैं? सारे मुल्क के सामने पैसे चल रहे हैं, वो वीडियो चल रही है पैसे की, उससे पहले वीडियो चली जो 2018 के इलेक्शन में, कि जनाब वो MPs करोड़ों रुपया ऐसे ऐसे करके बैग्स में डाल रहे हैं, कोई कुछ कोशिश की? क्या आपको ये नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करने की? सारी एजेंसीज आपके नीचे हैं, सबके सामने तमाशा हुआ। मुझे ये बताएं कि जब एक मुल्क की लीडरशिप, ये लीडरशिप है सेनेट की, जब ये रिश्वत देगी और रिश्वत लेगी, तो आप क्या कहेंगे कि पटवारी और थानेदार वो ठीक हो जाएगा? क्या आप कहेंगे बाकी लोग ठीक हो जाएं लेकिन लीडरशिप चोरी रिश्वत दें? एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। जब ऊपर आप करप्शन की इजाजत दे रहे हैं और आपके सामने हुई है और आपको पता था होनी है, मैं कहता क्या, मैंने इलेक्शन से पहले कहा कि रेट्स लग गए हैं लोगों के, बोलियां लग रही हैं, आपको मौका जब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? आपने तो पूरी तरह एक मौका दिया मुल्क की जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए। इससे क्या हुआ, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आज क्या हमारी जमहूरियत ऊपर गई है नीचे गई है? जो आपने मुल्क की मोरालिटी, इखलाकियात को नुकसान पहुंचाया कि ये जो ओपन हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या इससे फर्क पड़ा? मुझे बताएं, ये एक बड़ी अजीम ख्वाब का नाम था पाकिस्तान,
اسلامی فلاحی ریاست، یہ علامہ اقبال نے کہا تھا مثال بنے گی مسلمان دنیا کے لیے. مجھے بتائیں یہ اپنے نوجوانوں کو آپ کیا بتائیں گے اس سارے ملک کے سامنے؟ اور یہ کتنا پیسہ چلا ہے، یہ ابھی تو کسی، یہ تو سامنے آ گیا نا آپ کا ویڈیو، آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ کتنا پیسہ چلا ہے اس الیکشن کے اندر، کس طرح لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، کس طرح ہماری پالیٹکس کو کرپٹ کیا گیا ہے. جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے سینیٹر بنے گا وہ حاتم تائی ہے، وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا، وہ یہ پیسہ کدھر سے ریکور کرے گا؟ پھر کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی کرپشن بڑی بڑھ گئی ہے ملک میں. کبھی قانون سے بھی کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں کبھی کوئی قانون بنا کے یا لا انفورسمنٹ سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے؟ کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے، ایک قوم مل کے کرپشن ختم کرتی ہے. جب ایک قوم ایک میسج دیتی ہے کہ ایک جو کرپشن کرے گا، رشوت دے گا، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، اس کو لوگ شادیاں نہیں کروائیں گے ان گھروں میں، ان کو پارٹیز پہ نہیں بلائیں گے. یہاں کرپٹ لوگوں کو آپ مین سٹریم میں لا رہے ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں ہمارے وہ میڈیا کے لوگ، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، بڑے بڑے صحافی عدالت میں جاتے ہیں، عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف کو تقریر کرنے کی موقع دینا چاہیے، وہ نیلسن منڈیلا تقریر کرے گا، ملک کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا. ایک آدمی سپریم کورٹ سے کنوکٹ، ایک مجرم جھوٹ بول کے ملک سے بھاگا ہوا، جس کے اوپر اربوں اربوں روپے کی چوری، اس کے بیٹوں کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں لندن، ملک سے کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ ہم برطانوی سٹیزن ہیں، وہ تو جی بکنگم پیلس میں پیدا ہوئے تھے نا، کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس؟ یہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کا منشی جو دماد ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کے بچے باہر بیٹھ، سارے اربوں پتی ہیں، کوئی جواب. اور یہاں ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو اسے تقریر کرنے کا موقع دے. وہ کوئی جیل سے نکلتا ہے اربوں روپے کی کرپشن کے چارج، وہ جا کے پھول پھینک رہے ہیں لوگ اس کے اوپر. مجھے یہ بتائیں کیسے کرپشن ختم ہوگی؟ جب آپ معاشرہ، جب ان کرپٹ لوگوں کو ایکسیپٹیبل کر دے گا، یہ کھلے عام، جب یہ آپ جب یوسف رضا گیلانی یہ جب بنے گا سینیٹر اور وہ پیسے چلا کے، اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، جی او ہو جی جمہوریت ہے بڑی آ گئی. یہ صرف میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہمیں فکر ہے اپنے آنے والے بچوں کی، اپنی جنریشنز کی، اپنی نسلوں کی، کہ کیا ہم کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے؟ میں اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے جو بڑے بڑے ڈاکو، کیا عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے پڑا رہے؟ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. سنگاپور کے اندر جب ایک وزیر نے چوری کی، کرپشن کی، لی کوان یو جو ان کے پرائم منسٹر کا سب سے قریبی تھا، اس نے جب اس کو سزا دلوائی اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے میں میری جگہ ختم ہو گئی ہے، اس کو معاشرے میں حال نہیں ڈالیں گے، پھول نہیں پھینکیں گے کہ نیب سے باہر آ رہے جی پھول پھینک رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس نے کتنی کرپشن کی ہے. میرے پاکستانیوں دیکھیں، یہ آپ کے اوپر ہے، کیا آپ اپنے ملک کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں یا ان چوروں کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آج اس لیے یہاں ہیں کہ ہم نے چوری ایکسیپٹ کی، چوروں کو ایکسیپٹ کیا، ہم نے ان لوگوں کو جو ہمیں پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کا پیسہ چوری، میرا تو نہیں پیسہ چوری ہوا، یہ جو پیسہ باہر گیا یہ میرا تو پیسہ نہیں باہر گیا، یہ ہمارا پیسہ باہر گیا ہے. یہ کانٹریکٹس کے اوپر پیسہ بناتے ہیں، ہر چیز کے اوپر، سڑک جو بننی ہوتی ہے ایک ارب روپے میں وہ بناتے ہیں ڈیڑھ ارب روپے میں، باقی پیسہ ان کی جیب میں. اور وہ سارا، آپ ساری قوم جو ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، پیچھے تو جائیں، یہ قرضے چڑھے کیسے ہیں؟ کون سی قوم آگے بڑھ سکتی ہے؟ ایک مجھے قوم بتائیں، ایک ملک بتائیں، ایک مجھے ملک بتائیں جس کے پرائم منسٹر اور وزیر چوری کر رہے ہوں اور وہ ملک ترقی کر رہا اور خوشحالی ہو. اور جو ملک سزا اور جزا نہیں کرتا، طاقتور کو سزا نہیں دیتا، وہ طاقتور جو مرضی کرے وہ بچا. اچھا وہ بدقسمتی سے
उनको वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है, जेलों में भी वो वीआईपी हैं। उन्होंने अरबों की चोरी किया, वो बेचारा गरीब आदमी ने कोई किसी की भैंस उठा ली कुछ, वो उसका हाल देखे और एक वीआईपी का हाल देखे। कौम करप्शन से लड़ती है, कानून अकेला करप्शन नहीं खत्म कर सकता। ये जो आपने ड्रामा देखा है आपके सामने जो हुआ है, सारी कौम ने देखा है कि पैसे दे के एक वजीर जीत गया और बड़ी तालियां बजी जी, बहुत बड़ा जबरदस्त काम किया उसने। उसका माजी उठा के देखे, 60 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान का पैसा पड़ा था स्विट्जरलैंड में। आसिफ जरदारी तो कह ही नहीं सकता था मेरा, क्योंकि उसने तो कोई डिक्लेयर ही नहीं किया, चोरी का पैसा था। सुप्रीम कोर्ट उसे कह रहा है कि लेटर लिखो कि पाकिस्तान का पैसा स्विट्जरलैंड को वापस दें। लेटर नहीं लिखा, वफादारी जी, मैं जी बड़ा वफादार हूं। किससे? किसी इंसान से वफादार हूं, पाकिस्तान का पैसा। सोचे 8-9 अरब रुपया पाकिस्तान का भार पड़ा वो आ जाता, हम उसे क्या क्या कर सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, लोग अस्पताल, 100 चीजें कर सकते हैं। लेकिन जी इसने वो, तो ये इसकी सबसे बड़ी है, उस पर डिस्क्वालीफाई हुआ है। आज बड़े जोरों शोरों से जी सेनेटर बन गया जी, बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। अब मैं आखिर में अपनी आपसे आखिरी जो बात करना चाहता हूँ, ये इनका ख्याल ये था कि मेरे ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस की तलवार लटकाएंगे, और मैं क्योंकि मुझे कुर्सी बड़ी अजीज़ है तो मैं इनको कहूँगा कि जी हाँ जी ठीक है, मैं आपको NRO दे देता हूँ, यानी आपके जितने भी केसेस मैं आपको ख़त्म कर देता हूँ। मैं परसों कॉन्फिडेंस पोशन ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना, ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूँगा, ठीक है, मैं नाहिर हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा, अगर आप जीत जाते हैं मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा, लेकिन खुफिया तौर पे, हाँ जी हम आपके लिए वोट करेंगे, पैसे लेके किसी और को वोट करें, आप अपनी आखिरत तबाह करते हैं। खौफ खुदा होना चाहिए आपको, ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है, हमेशा फिक्र किया करें अपनी आखिरत की। तो मैं कॉन्फिडेंस लूंगा जाके अपनी असेंबली से, और मैं आपको ये बता दूं, ये अब मैं ज़रा मुखातिब हूँ, ये जो सारे PDM के जितने ये बड़े बड़े जो इनके जो ये जो बड़े बड़े क्या हैं, ये जो भी हैं, आप सबको मेरा ही पैगाम है, देखें मुझे अगर पावर भरी जाती है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कोई फैक्ट्रियां बनाई हैं आके, मैंने कोई अपने रिश्तेदारों को कहीं बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, मैं तो कोई बाहर जाके यहाँ पैसे निकाल के तो बड़े बड़े कोई मेफेयर में मैंने कोई बड़े बड़े घर ले लिए हैं, मैं तो अपने घर में रहता हूँ। स्वाय हुकूमत का मेरे ऊपर पैसा एक ट्रैवल पे और एक सिक्योरिटी पे, उसके अलावा सारे खर्चे मैं अपने बर्दाश्त करता हूँ। सारे मेरे ट्रैवल देखे, जब मैं बाहर गया हूँ 10-10 गुना कम पैसा खर्च किया मैंने ट्रैवल में, क्योंकि मुझे ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे खौफ खुदा है, मेरे मुल्क में भूख है, मुश्किल वक्त से मुल्क गुजर रहा है, मैं अपने मुल्क का पैसा बचाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इक्तदार में ना हूँ, कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूँ चाहे असेंबली से भी बाहर हो, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं अगर बाहर भी हो जाऊं, मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा। ये जो कौम है ये अपना जब मुल्क का पैसा चोरी होता है उसको बचाने के लिए निकलेगी, चोरों के पैसे को बचाने के लिए कौम नहीं निकलती। जो आपने जितनी कोशिश कर ली है, मैं आपको पब्लिक निकाल के दिखाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी को। मुल्क के लिए जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए अपने मुल्क के अंदर ये लोग जो कि मैं इनको मुल्क गद्दार कहता हूं, जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं,
मैं इनका मुकाबला करता रहूँगा। और मेरा ये ईमान है कि अल्लाह इस मुल्क को बड़ा अच्छा वक्त दिखाने वाला है। मुझे ये मेरा ईमान है कि ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा, और ये बनेगा ही तब जब ये सारे बड़े बड़े डाकू जेलों में होंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।